देखिए पूरा सब साफ देसी अंडा है ना। एवरीवन गुड मॉर्निंग नमस्ते, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे आप सब, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स आज हम लोग देसी अंडा बनाने वाले हैं, जो कि हम लोग को बहुत दिन से मन कर रहा था कि पूरा फैमिली देसी अंडा खाएं, और अभी देसी अंडा खरीदने के लिए हमको बाज़ार जाना पड़ेगा। और आज के ही दिन शुक्रवार को हम लोग के गाँव में एक बाज़ार लगता है, तो उसी बाज़ार में खरीदने वाले हैं। वहाँ पर बहुत सारा देसी अंडा बिकता है, तो अभी चलते हैं बाज़ार, वहाँ पर खरीद कर लाते हैं और आज मस्त से पूरा देसी अंडा बनाने वाले हैं। और आप लोग को बता दें कि हम लोग के घर में भी देसी मुर्गी होता था और बहुत सारा अंडा भी हुआ करता था, लेकिन अभी घर तरफ एक कोटास रहता है जो बिल्ली की तरह ही दिखता है, वो सारा मुर्गी वगैरह जितना सारा था वो खत्म कर दिया है। दोस्तों आज हम लोग डाटी अंडा बनाने जा रहे हैं, बाजार चलने का तैयारी करते हैं। और देखिए भाई, तो जुनैद क्या कर रहे हैं, बाजार चलेगा मेरे साथ, चलेगा? इसका पेट में भी चूहा कूद रहा, क्या कूद रहा बता तू? इसका पेट में भी चूहा दौड़ रहा है, इसको भी साथ में बाजार ले जाते हैं, उधर इसको खिला पिला लाते हैं। और जुनैद देखिए बाजार जाने के लिए पूरा नया नया कपड़ा निकाल लिया पूरा पहनने के लिए, अभी इसको पहनाते हैं ये वाला कपड़ा, उसके बाद साथ में ले जाएंगे इसको। देखिए नया नया कपड़ा पहन लिया, पहली बार हम जुनैद को टीका लगा दे रहे हैं यहाँ पे। गोल तो नहीं हुआ, चलेगा नहीं? एक और कहाँ लगा दे, एक गाल में लगाने के लिए बोल रहा है, गाल पे लगाते हैं ये। वाह बहुत मस्त टीका लग गया, देखो बाजार पहुंच चुके हैं दोस्तों। देखिए यही वाला हम लोग का गांव का बाजार है, अभी ढूंढते हैं देसी अंडा बेचने वाला किधर बैठे हुए देसी अंडा लेके, वो मुर्गी भी बेचते हैं तो उधर ही भी ढूंढते हैं उसको। देसी अंडा बेचने वाले पास पहुंच चुके हैं दोस्तों, देखिए यहीं पे बेच रहे हैं दादा सब। अभी यहाँ पे बहुत सारा अंडा लाए, पूरा एक पेटी अंडा लाए देसी अंडा, अभी दिखाते हैं आप लोग। देखिए पूरा सब साफ देसी अंडा है ना, 5 तो दिए दादू, पानी लगे इनको, खराब हो गया, मगर तो तुरंत भाग के लिए रे खराब नहीं निकलेगा को दादू? ना भैया बढ़िया वाला दीजिएगा, वो खराब नहीं निकलेगा। देसी अंडा पूरा खरीदिए दोस्तों, देखिए इसमें पूरा 5 पीस अंडा खरीदे हैं और सब्जी वगैरह भी पूरा ले लिए हैं। और अभी बारिश भी होने वाला है, जल्दी फटाफट से निकलते हैं घर, नहीं तो पूरा जुनैद और हम दोनों भीग जाएंगे। देखिए उधर पूरा बादल घेरते जा रहा है, पूरा काला काला पूरा बादल हो जा रहा है। और इधर भी देखिए बाजार से अंडा खरीद कर आप घर पहुँच चुके हैं दोस्तों, चलिए अब इसको बनाते हैं। धीरे धीरे डालेगा, हाँ आलू और अंडा डाल दिए हैं, अब चूल्हा रेडी करते हैं, इधर चूल्हा भी जलाना बाकी है। आज फिर से जुनैद को ही चूल्हा जलाने के लिए देते हैं। डॉक्टर देखो चूल्हा जलाने जा रहे हैं, चूल्हा जल गया।
देखिए दोस्तों, सिलाने जा रहे हैं। वो अंडा देखिए पूरा बॉयल हो चुका है, अब इसको उतारते हैं। आलू आप छुड़ाएंगे, हम अंडे छुड़ाएंगे। धीरे से, नहीं तो फूट जाएगा। धीरे से। अभी तक हम जितना भी रेसिपी वीडियो बनाए उसमें जुनैद को भी जरूर शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये देखिए काफ़ी मेहनत भी करता है और हमारे रेसिपी वीडियो बनाने में काफ़ी मदद भी करता है। देखिए कितना सुंदर सा आलू छुड़ा रहा है अभी। अभी 6-7 पीस आलू जरूर ही छुड़ा लिया है। देखिए दोस्तों, आलू छुड़ा रहे हैं। अब आलू को थोड़ा सा छोटा टुकड़ा में कर लेते हैं। आलू को भी देखिए छोटा छोटा कर लिए हैं और इधर मसाला का सारा आइटम रेडी कर लिए हैं। वो देखिए थोड़ा सा प्याज, लहसुन, मिर्चा और इधर गोलकी और जीरा। चलिए अब जितना सारा मसाला है उसको पीस कर लेते आते हैं। जो गांव में पीसने वाला रहता है उसी में इसको पीस कर लेते आते हैं। गांव में हम लोग इसी में पीसते हैं। मसाला पिसा के देखिए पूरा रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों, कढ़ाई चलाने जा रहे हैं। अभी कढ़ाई हम ही चलाते हैं, लेकिन जुनैद जिद करता रहता है कि हमको दीजिए हमको दीजिए। वीडियो बनाने के लिए काफी एकदम एक्सपर्ट है इसको, जब भी मोबाइल के कैमरा दे दी तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेगा। कढ़ाई पूरा हीट हो गया, अब डालते हैं इसमें तेल। देखिए कितना मस्त पूरा देहाती अंडा पूरा फ्राई हो रहा है। अंडा पूरा फ्राई हो चुका है, अब इसको निकालते हैं। अब डाल देते हैं इसमें प्याज। प्याज पूरा लाल हो गया, अब इसमें डाल देते हैं सब मसाला का आइटम। अभी सिर्फ एक चीज़ का इसमें कमी रह जा रहा है, वो टमाटर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि अभी ये टमाटर इतना महंगा हो गया कि कढ़ाई से पूरा गायब ही हो चुका है। मसाला भी देखिए पूरा मस्त पूरा भुना गया, अब इसमें डाल देते हैं पहले आलू। थोड़ा सा इसको भी पूरा फ्राई कर लेते हैं पूरा आलू को भी इस मसाला के साथ। पूरा आलू भी देखिए मस्त फ्राई हो गया, अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। अब इसमें डाल देते हैं अंडा। अब इसको थोड़ा देर के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद टेस्ट करेंगे। हम लोग का देसी अंडा देखिए पूरा बन के रेडी हो चुका है, अब इसको उतार देते हैं। अभी सबसे पहले जुनैद को ही टेस्ट करने के लिए बोलते हैं कि कैसा बना है, अभी इसी को देते हैं पहले। ये रहा जुनैद का अंडा, थोड़ा सा इसको सब्जी भी दे देते हैं। ले लो सब्जी और बताओ कि कैसा बना खा के। खाने जाने खाक बताते करना बोल सा। कैसा लगा हम लोग का रेसिपी? आई होप आप सभी लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अलविदा।